फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक और स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम है बिंग। बिंग का मतलब होता है होने के नाते। बिल्कुल क्लियर है? इसमें कैसे सेंटेंस बनाएंगे? शिक्षक होने के नाते आपके पास विद्यार्थी होना चाहिए, किसान होने के नाते आपके पास हल होना चाहिए, कलाकार होने के नाते राजू के पास कलर होना चाहिए। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। होने के नाते का मतलब होता है वो आदमी ऑलरेडी वो पोस्ट पे है। जैसे शिक्षक होने के नाते वो आदमी ऑलरेडी टीचर है, तब हम लोग बिंग का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में। बिल्कुल क्लियर है? चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। हम लोग एग्जांपल क्या है? शिक्षक होने के नाते आपके पास विद्यार्थी होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है? और इसका फॉर्मूला क्या है? बिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल सेंटेंसेस। सबसे पहले बिंग डालेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट में आई यू वी ही सी इट दे कोई नाम कुछ भी डाल सकते हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस आएगा, यानी फुल सेंटेंस। वहाँ पर हम लोग सिर्फ शुड हैव का इस्तेमाल होगा। शुड हैव का मतलब होता है के पास होना चाहिए, ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल क्लियर है? यस। तो हम लोग का सेंटेंस क्या है? शिक्षक होने के नाते आपके पास विद्यार्थी होना चाहिए। तो हम लोग का सेंटेंस बन जाएगा, पहले तो इस टुकड़ा का हम लोग इंग्लिश बनाते हैं, तो शिक्षक होने के नाते तो बन जाएगा बींग और टीचर। उसके बाद हम लोग का कंप्लीट सेंटेंस है, उसके बाद कोमा आ जाए, उसके बाद है यू मस्ट हैव अ स्टूडेंट। तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? बींग ए टीचर यू मस्ट हैव स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल है किसान होने के नाते आपके पास हल होना चाहिए। बींग ए फार्मर यू मस्ट हैव अ प्लो। कलाकार होने के नाते राजू के पास कलर्स होना चाहिए। बींग एन आर्टिस्ट राजू मस्ट हैव कलर्स। माली होने के नाते अर्जुन के पास कैंची होना चाहिए। बींग अ गार्डनर अर्जुन मस्ट हैव अ सीजर। तो शुड हैव, मस्ट हैव और टू हैव, ये तीनों का मतलब होता है के पास होना चाहिए, ये हम लोग यूज़ करेंगे, बाकी कुछ और हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर है? कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नर्स होने के नाते सीता के पास पोशाक होना चाहिए। बींग अ नर्स सीता मस्ट हैव यूनिफॉर्म। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।